हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। ये इस एक्सरसाइज जिसका नाम है हमारा कि फैक्टर थ्योरियम यानी कि गुणनखंड प्रमेय, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है आपके। और इसमें से 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया, बहुपद 25x² - 1 + 1 - 5x² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो भी एक्स का वेरिएबल इसका वेरिएबल होगा उसको निकाल के बस रख देना, ठीक है। तो आपको इसमें पहले ही दिख रहा है एक्स है, तो देखिए क्या कैसे कर देंगे इसको। ये तो हमारा लिखा हुआ है 25x² - 1, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए लिखा हुआ है ये ए है और ये हमारा बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये होता है कि नहीं होता, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 × 1 × 5x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 25x² - 1 + 1, ये हमारा प्लस 1 प्लस 25x² हो जाएगा, 5x² - 2 × 5 = 10, यानी कि 5 × 10 = 10x हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना निकल गया, 25x² कितना हो जाएगा, 50x² और प्लस 1 से माइनस 1 हमारा कट जाएगा, माइनस में 10x, ठीक। तो आपने देखा कि हमारा इसमें से 10x कामन मिल रहा है, तो 10x कामन ले लीजिए और यहाँ कितना आ जाएगा, 5x - 1, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि इसमें से हमारा वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल देखिए आपको क्या निकल के आ रहा है, x। तो आपका वेरिएबल यानी कि इसके फैक्टर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, x, बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आंसर यहाँ तक भी है पर आपका आंसर x आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें वेरिएबल निकाल के रख देना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या रहा है, बहुपद x³ - 6² - 6² तो इसमें आपको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, एक्स इक्वल टू में 1 रखिए, 2 रखिए और 3 रखिए, ये आप वैल्यू रख दीजिए और इनमें से चेक करिए कि हमारा ये इक्वल टू में 0 आ रहा है कि नहीं। आपको क्या करना है, इक्वल टू में इसके 0 लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, एक्स इक्वल टू में 1, तो कितना जाएगा, 1³ - 6 1² + 11 × 1 - 6, तो कितना जो 1 - 6 + 11 - 6, और देखिए कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 12, तो 12 - 12 = 0, तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आप x इक्वल टू में लिखा है 1, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, x - 1, ठीक है। तो अब चेक करना है आपको, x - 2 पर चेक करना है, देखिए हमारा ये सेटिस्फाइड इक्वल टू में 0 आ रहा है कि नहीं, यानी कि x इक्वल टू में हमको 2 रख के चेक करना है, तो रख दीजिए। तो हमारा fx इक्वल टू में दिया हुआ है x³ - 6x² + 11x - 6, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो आपको क्या करना है, f इक्वल टू में 2 रखना है इस बार, तो 2³ - 6² + 11 × 2 - 6, तो कितना हो जाएगा, f2 इक्वल टू में 2 × 4 × 8 हो जाएगा, 2³ कितना होता है, 8, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 4, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 24, माइनस 11² = 22, माइनस में 30, यानी कि हमारा प्लस में है, ठीक है, 11² = 22 हमारा प्लस में है। तो देखिए हमारे ये कितने, ये हमारा कितना हो रहा है, ये माइनस माइनस के हो रहे हैं और ये हमारे प्लस, ये हमारा प्लस को हो रहा है और हमारे ये माइनस के हो रहे हैं, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 30 - 30, तो कितना आ रहा है, 0, ये भी हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड, यानी कि x - 2 भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। अब रखना है आपको x - 3, यानी कि x इक्वल टू में आपको 3 रखना है, ठीक।
तो इसको भी चेक कर लीजिए क्या कह रहा है। एफ़ थ्री इक्वल टू में थ्री का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए इसी इक्वेशन में रखना है आपको, तो हो जाएगा थ्री का क्यूब माइनस सिक्स इंटू में थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एलेवन इंटू में थ्री हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा एफ़ थ्री इक्वल टू में तीन, तीन का क्यूब कितना हो जाएगा तीन त्रिकुना त्री को सत्ताईस, माइनस छः गुड़े तीन त्रिक नौ, प्लस ग्यारह तीन तैंतीस, माइनस में सिक्स, तो कितना निकल गया ट्वेंटी सेवन माइनस का फिफ्टी फोर, प्लस में तैंतीस, माइनस में सिक्स। देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस प्लस वाले को प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा सत्ताईस छः माइनस का सिक्सटी और प्लस का सिक्सटी इक्वल टू में ज़ीरो। तो हमारी ये कंडीशन भी हमारी क्या हो रही है फॉलो हो रही है। तो आपके आंसर कितने निकल के आएंगे ए एन एस आंसर इक्वल टू में एक्स माइनस में वन कॉमा एक्स माइनस में टू और एक्स माइनस में थ्री, यही आपके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे क्या दिया गया है x माइनस टू दे दिया गया, ठीक है, और इसका बहुपद दे दिया गया है फोर एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में फोर एक्स प्लस के, यानी फोर एक्स क्यूब, सॉरी ये हमारा क्यूब है, और आपको क्या निकालना है k की वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये हमारी k की वैल्यू निकालना है। तो x माइनस टू दिया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू में टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू में कितना दिया है फोर एक्स में क्यूब प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में फोर एक्स प्लस में के, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू में क्या रखना है आपको टू रखना है, तो टू रख दीजिए, सभी जहाँ जहाँ एक्स रखा है वहाँ पर टू रखना है आपको, तो फोर इंटू में टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू में टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू में टू प्लस में के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फोर इंटू में टू का क्यूब आपको सबको पता है दो दुनी चार दुनाई आठ होता है, प्लस तीन गुड़े दो का स्क्वायर सबको पता होगा चार, माइनस चार दुनाई आठ प्लस में के, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आठ चौको बत्तीस प्लस में चार तीन बारह माइनस में एट प्लस में के। अब इन दोनों क्या कर देना है प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा प्लस होने पर दो दूनी चार और चार माइनस आठ प्लस में के। तो अब इसे फोर्टी फोर से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका छत्तीस, ठीक, प्लस में के। अब आपको के की वैल्यू चाहिए तो हमको इधर तो इसको भेजना पड़ेगा, तो इसको जैसे भेजेंगे छत्तीस प्लस में के लिखा हुआ इक्वल टू में ज़ीरो, और के इक्वल टू में कितना जाएगा इधर जाएगा तो कितने में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे क्या कह रहा है ए का मान ज्ञात, यानी कि आपको क्या करना है ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है। वैल्यू मतलब इंग्लिश से इसलिए बोल रहे हैं कि कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम को होगा वो भी आसानी से ये वीडियो देखकर अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकेगा, ठीक है। ए इक्वल टू में आपको वैल्यू निकालना है, यदि इफ़ में आपको क्या गिवन क्या है आपको गिवन नोट करना है, इस तरह पेपर में जैसे ही क्वेश्चन आए इस तरह आपको करना है, गिवन क्या है x प्लस वन और आपका एफ एक्स इक्वल टू में कितना दिया हुआ है टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। तो आपको ये x इक्वल टू में क्या होता हो जाएगा x माइ एक्स प्लस वन है तो x उधर जाएगा x इक्वल टू में माइनस में वन आ जाएगा, ये आपको x इक्वल टू माइनस वन दिया हुआ है। और निकालना किसकी वैल्यू है a की वैल्यू निकालना है, तो जैसे ही रखेंगे x इक्वल टू में माइनस वन इक्वल टू टू माइनस वन का होल क्यूब माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस लगा देंगे और ये कितना हो जाएगा टू
और ये अंदर x का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 2a, और अंदर x का x की वैल्यू रखेंगे तो कितना है माइनस वन हो जाएगी ये, नहीं पहले x की वैल्यू x रख देते हैं इधर, रखें कि ना रखें आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये किस प्रकार हो जाएगा, देखिए इसको आप ले सकते हैं x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ax माइनस में 3x, ठीक है, इधर करके आपको बता रहे हैं ये चीज़, इतना हो जाएगा। जैसे आपने इसमें माइनस वन की वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू में, 2a माइनस वन हो जाएगा यहाँ, माइनस में 3 यहाँ माइनस वन, समझ में आया आपको, तो कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस वन प्लस में 2, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने 2 इंटू में माइनस वन का होल क्यूब, कितना हो जाएगा माइनस वन ही आता है, जैसे माइनस वन इंटू में माइनस वन इंटू में माइनस वन, इन दोनों करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वन, और इसका मल्टीप्लाई माइनस वन से होगा तो फिर ये हो जाएगा माइनस वन, इस तरह होगा कुछ। माइनस वन का ये होल स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस वन का, प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे, माइनस फिर टू, ये माइनस का है तो माइनस का जैसे इसमें प्लस इंटू होगा तो ये हमारा कितना जगह माइनस का टू होगा, माइनस का टू का मतलब ये हमारा प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, टू ए माइनस, देखिए हमारा ये माइनस का थ्री होगा इसे मल्टीप्लाई होता है, जैसे ये माइनस इसमें लड़ेगा आके तो इसको प्लस कर देगा लड़ाई करके, और ये हमारा प्लस का टू तो है ही है, ठीक। तो कितना निकल के आया, माइनस टू माइनस टू प्लस में टू ए, ये हमारा यहाँ पर ए भी होगा ना, ए स्क्वायर, ये हमारा ए है, सॉरी ये हमारा ए है, ये हमारा ए लिखा हुआ है, और ये हमारा टू ए हो जाएगा प्लस में टू, और देखिए ये हमारा प्लस में टू है और ये हमारा माइनस में टू है, तो क्या हो जाएगा कट जाएंगे, और अभी कुछ रह रहा है, हाँ ये प्लस का टू हो गया और ये हमारे अभी ये वैल्यू रह गई है, ये हमारा प्लस में थ्री हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस में थ्री, जैसे आपने लिखा ये माइनस का ए है और ये प्लस का टू ए है तो कितना हो जाएगा ए आ जाएगा, टू से वन को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और ये हमारा प्लस थ्री तो है ही है, यहाँ हो जाएगा प्लस में थ्री, तो ए इक्वल टू में कितना आ जाएगा माइनस में थ्री, ये ए उधर जाएगा ना, ए से उधर जाएगा, इक्वल टू में जीरो मान लीजिए, तो जैसे ये उधर जाएगा थ्री तो ये जाएगा माइनस में हो जाएगा, यही आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, समझ में आया कि नहीं ये चीज़ आपको, देखिए फिर समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको x इक्वल टू में माइनस वन रख देना है, टू माइनस वन का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस ए है ये हमारा, हमसे टू बन गया था, ये हमारा ए है, माइनस वन का रखेंगे यहाँ होल स्क्वायर, फिर माइनस इसका अंदर यहाँ मान लीजिए एक्स है तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस वन होगा कि नहीं होगा, जैसे आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कराया तो टू ए तो हाई है और इनटू में क्या हो जाएगा माइनस वन होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का थ्री इंटू में माइनस वन होगा, फिर प्लस में टू ऐसे लिख देना है, फिर कितना हो जाएगा माइनस वन का होल क्यूब माइनस वन टू हो जाएगा, फिर माइनस लगा हुआ है ये हमारा माइनस का है तो माइनस का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा तो माइनस का ए आ जाएगा यहाँ पर, फिर टू ए देखिए ये माइनस है ये बाहर आ जाएगा तो इसमें कुछ प्लस में हो जाएगा टू ए हो जाएगा यहाँ, फिर हमने ये इसको छोड़ दिया था भी इसको इसलिए यहाँ लिख दिया तो ये कितना जगह माइनस माइनस प्लस में थ्री और ये हमारा टू, तो जैसे ही आपने देखा यहाँ टू माइनस का आएगा यहाँ प्लस का इस हमने इसको काट दिया और ये माइनस का वन है ये प्लस का टू है तो इससे हमारा एक घट जाएगा तो प्लस का ये जाएगा ये थ्री हो जाएगा, ठीक है, और ये जैसे ही ए थ्री उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि के की वैल्यू निकालना है, इसमें क्या निकालना है किसकी वैल्यू निकालना है, के का मान ज्ञात कीजिए, और इफ दिया क्या दिया है आपको, गिवन दिया क्या है x माइनस में 3 दिया है और वैल्यू क्या दिया है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स माइनस में 2, ठीक है, इसके गुणनखंड करके आपको क्या निकालना है वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है के की निकालना है, तो चलिए करते हैं इसको भी बहुत इजी तरीके से। ये आपकी क्या दिया हुआ x माइनस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू में रख दीजिए 0 तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3, उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, जाहिर सी बात है, तो
आपको क्या करना है, x की वैल्यू रख देना है। तो के स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर माइनस के इंटू में 3 माइनस में 2, तो कितना निकल के आया, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 9 के स्क्वायर माइनस में 3 के, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस में 2। अभी ये देखिए आपकी क्या बन रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, ये इक्वेशन बन रही कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन जैसे ही आपने इसको देखा बन गई, तो क्या करना, इन इसके बीच के फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कितना हो जाएगा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर निकालना है कि हमारा बीच में प्लस माइनस करने पर 3 आना चाहिए कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 3 3 और 3 3। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 3 2 9 18, इसके फैक्टर नहीं निकाल रहे हैं, 3 2 6 और 36 18, हाँ 6 × 3 18 आ रहा है हमारा। और जैसे ही आपने 6 में माइनस 3 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पर हमको चाहिए किसका, माइनस का 3 चाहिए। तो चलिए रखते हैं यहाँ, 9 के स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 के माइनस में 2, ठीक है। अब देखिए जैसे इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 के स्क्वायर माइनस में 6 के हो जाएगा, और ये माइनस का जैसे इसमें इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये अंदर 3 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के माइनस में 2 हो के नहीं होगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इसका के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 के और प्लस में 3 के माइनस 2। और आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 3 के कॉमन मिल रहा है, तो 3 के कॉमन ले लीजिए, 3 के माइनस 2 और प्लस में 1 कॉमन मिल रहा है यहाँ, तो 3 के माइनस 2। ऐसे आपको फैक्टर निकालना है कि हमारे ये तो हमारे सेम ही होना चाहिए, अगर सेम नहीं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो देखिए इसके वैल्यू क्या निकल के आई, 3 के माइनस 2, और कितना निकाला गया, 3 के प्लस 1। आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, के की वैल्यू चाहिए थी, के की वैल्यू चाहिए कि नहीं, तो पहले इससे निकालेंगे के की वैल्यू, तो 3 के माइनस 2 इक्वल टू में 0, तो 3 के इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2, तो के की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, 2 अपान में 3, ये 3 को इसके नीचे भेजेंगे कि नहीं, 2 अपान में 3 निकल के आ जाएगी। देखिए इस तरह 3 के माइनस 2 लिखा हुआ है, और 3 के इक्वल टू में 0, और जैसे 2 को उधर भेजेंगे तो कितने में हो जाएगा, 2 प्लस में हो जाएगा, और के इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2 अपान में 3, ये 3 हमारा किस में, डिवाइड में चला जाएगा। आपकी एक वैल्यू तो ये हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू इससे निकाल लेंगे, 3 के प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो 3 के 1 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस 1, और जैसे ही के इक्वल टू में निकालेंगे तो -1 अपान में, ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 3, तो आपकी के की वैल्यू एक आ जाएगी 1/-3, और के की वैल्यू 2 अपान में 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको क्या दिया गया है, इफ़ यानी कि आपको गिवेन है, सबसे पहले आपको गिवेन नोट करना है, यदि जो दिया हुआ है उसको लिख देना है x-1, तो ये कितना हो जाएगा, x = 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, उधर जाएगा तो 1 प्लस में हो जाएगा। और बहुपद दे दिया गया है आपको, x³ × x⁴ माइनस, देखिए x³ − 3x³ प्लस में bx² + 8x − 4, ठीक। अब आपको क्या करना है, तो b का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, b की वैल्यू निकालना है, ठीक, b की वैल्यू निकाल देना है आपको। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या कर देना है, x की जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ आपको क्या कर देना है, 1 रख देना है, बस सीधा आपको आंसर आ जाएगा इससे। तो चलिए रख देते हैं, तो जैसे ही आपने 1 की वैल्यू एक्स की वैल्यू रखा तो कितना हो जाएगा, 1 की पावर 4, और -3 1 की पावर 3 प्लस बी 1 की पावर 2 प्लस 8 × 1 − 4,
ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पर क्या कर देना है, वन रख देना है बस। तो जैसे वन की पावर कुछ भी लिखा हो तो वन ही आता है, तो यहाँ हो जाएगा वन माइनस यहाँ थ्री, इसकी ये वन का क्यूब कितना हो जाएगा वन, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री, कितना हो जाएगा थ्री, प्लस इसका भी वन का स्क्वायर कितना होता है वन, और जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा, प्लस एट वन जा वन एट आ जाएगा माइनस में फोर, तो कितना निकल के आएगा आपका, ये हमारा वन है। देखिए माइनस माइनस वाले पहले आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और प्लस प्लस वाले प्लस कर देना है, तो आठ एक नौ और चार चार तीन सात, प्लस में बी, देखिए बी की वैल्यू निकालना था, ऐसे इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा टू, प्लस में बी इक्वल टू में जीरो पुट कर दीजिए, और जैसे ही आपने बी से टू को अलग किया तो ये जाएगा बेचारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे ही उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस का टू निकल के आ जाएगी। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन था, और जैसे ही आप जितने बार इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएंगे, और उस आप हमसे भी फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये तो समझाने की वजह से बहुत ही स्लो कर रहे हैं, नहीं तो आप इससे भी फास्ट कर सकेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री वा दे दिए, एक्स माइनस थ्री दे दिया गया है आपको, और एक्स प्लस फोर दे दिया गया है, दो वैल्यू दे दी गई हैं, और बहुपद क्या दे दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में ट्वेल्व के गुणनखंड हैं या नहीं। गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको क्या कर देना है, देखिए फॉर एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री पर आपको चेक कर देना है, तो जैसे ही आपने चेक किया एक्स माइनस थ्री पर क्या है, एक्स इक्वल टू में थ्री रख देना है, ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो आपको बहुपद क्या दिया गया है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में ट्वेल्व, ये इक्वेशन है, और एक्स इक्वल टू में आपको जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ थ्री रख देना है, तो कितना हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर प्लस में थ्री माइनस में ट्वेल्व, होगा कि नहीं होगा, तो देखिए तीन त्रिक नौ प्लस में तीन माइनस में बारह, आपको चेक करने के लिए इसके इक्वल टू में क्या होगा, जीरो आना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा नौ तीन बारह माइनस में बारह इक्वल टू में जीरो आ रहा है, तो हमारा क्या है, बहुपद सही है, गुणनखंड है इसके, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री इसका गुणनखंड है, इस तरह लिख देना है, गुणनखंड है, ठीक है। और सेकेंड नंबर में क्या चेक कर देना है, इसके एक्स माइनस एक्स प्लस फोर दिया हुआ है इक्वल टू में जीरो, तो एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा, माइनस में फोर आ जाएगा, इस बार ये प्लस में है उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो बस जहाँ जहाँ आपको देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में फोर माइनस में ट्वेल्व, प्लस में एक्स दिया हुआ है सॉरी, माइनस में ट्वेल्व, तो जहाँ जहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स, वहाँ क्या कर देना है आपको, एक्स की वैल्यू पुट कर देना है इक्वल टू में ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में ट्वेल्व, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर का स्क्वायर प्लस में फोर माइनस में ट्वेल्व, ये कितना हो जाएगा, सिक्सटीन प्लस में फोर माइनस में ट्वेल्व, तो कितना निकल के आएगा, सोलह चार बीस माइनस में ट्वेल्व इक्वल टू में एट आ रहा है, तो इस बार तो हमारा जीरो नहीं हो रहा है, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, ठीक है। तो हमारा एक्स प्लस में फोर बहुपद हमारा क्या है, नहीं है, ठीक है। ये हमारा बहुपद गुणनखंड नहीं है, ठीक, ये हमारा इक्वल टू में जीरो नहीं हो पा रहा है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन अगले वीडियो में, जहां पर आपको हम ये सारे क्वेश्चन करके दिखाएंगे और कुछ ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।